क्वेश्चन है, यदि पी क्यू आर बराबर 64 हो तो 2p प्लस क्यू प्लस 3r का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब न्यूनतम और मैक्सिमम हमसे मान पूछा होता है तो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर हमें दिया है 64, तो पी क्यू आर की ऐसी वैल्यू लगाएंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 64। तो पी की वैल्यू अगर मैं 4 लगाऊं, क्यू की वैल्यू भी 4 लगाऊं, आर की वैल्यू भी 4 लगाऊं, तो क्या हो जाएगा, 4 × 16 = 64, 64 = 64, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हैं तो हमारी पी की वैल्यू क्या हो गई 4, क्यू की वैल्यू क्या हो गई, पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, राइट, आर की वैल्यू भी क्या हो गई 4 हो गई। तो हम इसमें लगा देंगे 2p, हमें दिया है 2p प्लस क्यू प्लस 3r का हमें न्यूनतम और न्यूनतम मान बताना है, तो 2p की जगह 4 प्लस क्यू की जगह 4 प्लस 3r की जगह 4, राइट, तो क्या हो जाएगा 2 × 8 प्लस 4 प्लस 12, 12 और 8 20 और 4 24। तो इस तरीके के क्वेश्चन में न्यूनतम या मैक्सिमम मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिए कंडीशन, यदि पी क्यू आर बराबर 64, तो 64 लाने के लिए हम पी क्यू आर का ऐसा मान लगाएंगे जिससे लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो पी की और क्यू की आर की वैल्यू हमने 4 लगाई तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो पी की वैल्यू भी 4 हो गई, क्यू की वैल्यू भी 4 हो गई और आर की वैल्यू भी 4 हो गई, जो हमें दिया है 2p प्लस क्यू प्लस 3r का न्यूनतम मान, तो इसमें हम पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 24, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।